दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत काम की जानकारी देने वाला हूं ड्रीम इलेवन के बारे में। अगर आप भी ड्रीम इलेवन पर मैच खेलते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम की है। तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक, और जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, चलिए मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में क्या जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कल मैच होने वाला है श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड के बीच कल दोपहर 12 बजे। और इस मैच में जो है कि मेगा कॉन्टेस्ट जो है कि 11 करोड़ रुपये का है, ठीक है। 11 करोड़ रुपये का मेगा कॉन्टेस्ट है और फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ रुपये का है। लेकिन दोस्तों, इस मेगा कॉन्टेस्ट में, इस ग्रैंड लीग में अपना टीम लगाने के लिए, टीम ज्वाइन करने के लिए आपको 49 रुपये पे करने पड़ते हैं, 49 रुपये देने पड़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें केवल 24 रुपये पे करने के लिए दिखा रहा है। दोस्तों, ये 24 रुपये हमें क्यों पे करने के लिए दिखा रहा है, क्योंकि हमें ड्रीम इलेवन की तरफ से डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऑफ़र मुझे पहली बार नहीं मिला है, ऐसे ऑफ़र हमें मिलते रहते हैं। कभी भी मैं ड्रीम इलेवन पर 49 रुपये लगा करके अपना टीम ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। 49 रुपये लगा के मैं अपना टीम ज्वाइन करता हूँ ग्रैंड लीग में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एक बार खेलता हूँ, दो बार खेलता हूँ, मैं बराबर खेलता रहता हूँ। लेकिन हमें ये ऑफ़र कैसे मिलता रहता है, इसके बारे में मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ। 49 रुपये वाले कॉन्टेस्ट में केवल 24 रुपये लगा के अपना टीम ज्वाइन करके खेलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, ड्रीम इलेवन के तरफ से ये ऑफ़र कैसे मिलता है, डिस्काउंट कैसे मिलता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कम से कम 6-7 आईडी बना लेनी है, कम से कम 6-7 आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे पास 7 आईडी है, 7 आईडी लगा करके मैं ड्रीम इलेवन पर खेलता रहता हूँ, तभी ये ऑफ़र मिलता रहता है। तो इस आईडी को कैसे यूज करना है, अगर आप 7 आईडी बना लेंगे तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप जिस आईडी से खेलेंगे उस आईडी से तब तक आपको खेलना है जब तक आपको उस आईडी पर ऑफ़र मिलता रहे, यानी कि ये 24 रुपये, यानी कि ये 24 रुपये का ऑफ़र जब तक आपको मिलता रहे, 49 रुपये वाला एंट्री फीस 24 रुपये में, 24 रुपये में, 24 रुपये में लगाने का ऑफ़र मिलता रहे, तब तक आपको उस आईडी पे खेलना, तब तक आपको उस आईडी पे खेलते रहना है, ठीक है। जब ये ऑफ़र बंद हो जाए तब आपको इस आईडी को लॉग आउट कर देना है। जब इस आईडी को लॉग आउट करेंगे तब आपको वो तारीख नोट करके रखनी है कि आप उस आईडी को कब लॉग आउट करते हैं, ठीक है, वो दिन तारीख आपको लिख रखना है। फिर आपको दूसरी आईडी लॉगिन करनी है। जब दूसरी आईडी लॉगिन करेंगे तो आपको उस आईडी पे भी, जो दूसरी आईडी लॉगिन करेंगे उस आईडी में भी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको एक एक करके सभी आईडी को यूज करते रहना है।